तो आज हम बनाते हैं कुंदरू की मसालेदार सब्जी, जो देखते ही सबको पसंद आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। कुंदरू को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, तो यहाँ पे हमारे इधर कहते हैं इसे तोंडले। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम तोंडले, या फिर आप कह सकते हैं कुंदरू। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है और अंदर से एक कट मार लिए है, और इसे हम अच्छी तरह से और एक बार धो लेंगे, क्योंकि इसमें जो स्टिकीनेस है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कट मार लिए हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। वैसे तो कुंदरू कच्चे भी खा सकते हैं हम, वैसे ज़्यादा भी पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस फ्राई भी करें तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल में डाल देंगे, सूखे नारियल के टुकड़े डाल देंगे यहाँ पे हम, और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे मूंगफली, इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, और फिर यहाँ पे डाल देंगे धनिया, और धनिया डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से तिल, और इन सबको और एक बार अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए तिल ग्रेवी की थिकनेस बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्याज लेके उसे भी काट के इसी में डाल दिया है, और अब ये सब जो है हम मिक्सर में से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया है अदरक और लहसुन और थोड़ा सा जीरा, जीरा से स्वाद बढ़ता है, और इन सबको हम मिक्सर में से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे ताकि ग्रेवी जो है टेस्टी हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कुंदरू की सब्जी सबको पसंद नहीं आती है, पर अगर आप इस तरह से बनाओगे तो सभी खाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी पेस्ट बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल को अच्छा गर्म होते ही इसमें डाल देंगे हम राई, राई अच्छी सी तड़क रही है तो फिर डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, प्याज को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया है वो पेस्ट इसमें डाल देंगे, और इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक तेल नहीं छूटता है इसमें से तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, और अच्छी तरह से तेल छूटने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी, हल्दी के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे स्वादानुसार नमक, और फिर डाल देंगे लाल मिर्च, और फिर इन सबको और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, और यहाँ पे भी हम तेल छूटने तक मिलाते रहेंगे। तीखा आप जितना पसंद करते हैं उतना ही डाल दीजिए यहाँ पे, और ये अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद हम अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर डाल देंगे हम कुंदरू, और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद और 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, और जब कुंदरू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो समझ लेना है कि हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। और इसे ज़्यादा भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुंदरू वैसे भी हम कच्चे भी खा सकते हैं तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ग्रेवी के लिए जितना पानी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हम 2 मिनट के लिए ये कुंदरू पका लेंगे, और ये हमारी कुंदरू की सब्जी बनके रेडी हो गई है। थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, जो बहुत ही ग्रीन था अब लाइट ग्रीन हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, और अब हम यहाँ पे सर्व कर लेंगे। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी सब्जी? आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।